गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी क्या है ना कि हम लोग सुबह का भी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर है पोहा और साथ में ये रहा चटनी, तो उसमें वड़ी डाले हैं। और यहाँ पर है आम। हम लोग के आने की खुशी में पापा तो आम लाकर रखे ही हैं, लेकिन हम लोग के पास टाइम नहीं है आम खाने का। तो अभी क्या है ना कि अभी हम लोग ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट कर लेंगे। और आज ना पोहा का मूंगफली ना थोड़ा जल जल गया था, तो ये हस्बैंड जी का ही कारनामा है। और यहाँ पर ना देख लीजिए, ये बड़ी को तोड़ रहे हैं। ये बड़ी ना अच्छे से मतलब भीगा नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पर मैं मछली कट कर रही हूँ। तो ये ना छोटा छोटा मछली है, और मुझे ना ये फिश अच्छा लगता है। मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन पापा बताए ये मोरोला माछ है, मतलब इसको बंगाली में हम लोग मोरोला माछ ही बोलते हैं। तो अभी ना मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और सच बात बताऊँ, ये क्लीन करने में ना बहुत टाइम लगता है, बहुत। और मेरा ना हाथ में भी दर्द होने लगा था, और साथ में ना इसको क्लीन करते करते ना बहुत टाइम भी लग रहा था। तो ये मेरा ससुराल है और यहाँ मैं खाना बनाता हूँ। और आज बन रहे हम लोग स्पेशल रेसिपी सुबह से। तो पगली तो ही है, तो तेरा माँ तो मेरे को बोली थी पहले ही, मेरा पागोला छे पहले ही बोल दी थी। अच्छी इसकी मम्मी ऐसे ही बता दी थी। नहाई नहीं हूँ अभी तक। और आज उस दिन तो दिखाया था ससुर और दामाद का रेसिपी, और आज मैं ही बना रहा हूँ। ससुर जी सब ला के दिए हैं मेरे को, और उसका ये धोरी है, इसको धोने का काम है बस। बस क्या है ना कि हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि अभी तक ना नहाई हूँ ना कुछ की हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। क्योंकि क्या है ना कि कल रात को ना पार्टी से बहुत लेट से आए थे, बहुत। और आज क्या है ना कि हम लोग घर जाने वाले हैं, तो पापा फिश भी लेके आए हैं एंड चिकन भी लेके आए हैं, दोनों चीज़ ही लेके आए हैं। तो फिश क्या है ना कि पापा खाते हैं, पापा चिकन नहीं खाते हैं, मतलब खाते हैं लेकिन वो खा नहीं पाते हैं अभी। तो क्या है ना कि वो अपने लिए फिश लेके आए हैं, बाकी हम लोग हैं चिकन पार्टी, तो हम लोग चिकन खाएंगे। तो उनका मन नहीं मान रहा है कि मतलब घर में नहीं खा रहे हम लोग ऐसा वैसा करके। तो अभी क्या है ना कि वही सब मैं अच्छे से इसको क्लीन कर ली हूँ, और घर ना पूरा बिखरा हुआ है पूरा। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, तो वो भी मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। कोई नहीं, मैं ही बिगाड़ी हूँ, मैं ही पूरा बिखेर के रखी हूँ, क्योंकि मेरा ही सामान पूरा इधर उधर, जितना मैं साड़ी पहनी हूँ, ऐसा पहनी हूँ ना, तो वो सब क्या है ना कि इधर उधर करके मैं रख दी हूँ। अभी तक उसको मैं अच्छे से पैकिंग नहीं की हूँ। स्लीपर वगैरह भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए आज क्या क्या मेनू है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो इस साइड में क्या है ना कि ये इधर ये प्याज को कट कर रहे हैं, साथ में इस साइड में ये कुछ कुछ ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसका मसाला वगैरह ये सब बनेगा। एंड ये रहा फिश, मैं धो के लाई हूँ। एंड इसमें नमक एंड हल्दी यहाँ पे मैं डाल कर रखी हूँ, अभी इसको मैं मिक्स भी कर लूँगी। और साथ में ये है ना, तो ये मस्टर्ड पेस्ट है, तो इसको अभी बनाए हैं। मस्टर्ड पेस्ट के साथ में ये फिश बनने वाला है, पहले ये फ्राई होगा देन इसके साथ में ये बनेगा। पता नहीं मैं शेयर कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अभी मैं उस साइड काम कर रही हूँ और इधर मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, साथ में भी मुझे बर्तन भी धोना है। तो ये रहा चिकन, तो थोड़ा सा ही चिकन है, हम दोनों के लिए है, पापा तो खाएंगे नहीं। तो अभी क्या है ना कि इसको मैं अच्छे से ना मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इसमें क्या क्या है, गरम प्याज है और मिर्ची नहीं है ना, मिर्ची अदरक लहसुन प्याज मिर्ची अदरक लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला है। टमाटर यूज नहीं करते हम लोग। तो यहाँ पर ये अभी पेस्ट होने वाला है। अभी मैं नहा चुकी हूँ, लेकिन ना मेरे बाल का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अभी, क्योंकि ना कल मैं कर्ल की थी और उसको ना अभी तक मैं कुछ भी नहीं की, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है। इधर मैं खाना वगैरह भी बनाई, लेकिन ना मैं वो सब कुछ भी शूट नहीं की थी, क्योंकि ना घर में ना मतलब आ रहे थे लोग भी आ रहे थे, तो मैं क्या शूट करूँ। एंड हम लोग का पंखा देखे उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। एंड अभी क्या है ना कि लगभग दोपहर का 2:30 बज रहा है। तो अभी क्या है ना, लगभग दोपहर का 2:30 बज रहा है,
और हस्बैंड खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। मैं खाना वगैरह यह सब कुछ मैं निकाल ली हूँ और अभी ना बहुत ज़ोर से भूख भी लग रहा है। तो आज का हमारा मेन्यू क्या क्या है मैं आप लोगों को तो पहले शेयर कर देती हूँ। तो ये रहा मेरा खाना, यहाँ पे चावल है, साथ में ये रहा ये करेला का भुजिया है। फ्लैश लाइट ना ऑन है इसलिए ना थोड़ा काला काला दिखेगा सब। और ये है फिश करी जो मैं सरसों के साथ बनाई हूँ, छोटा छोटा ये फिश है, इसी का ही बना है। एंड साथ में ये है आम का खट्टा मीठा चटनी, पापा खाए तो बहुत तारीफ़ किए, मतलब बहुत अच्छा ही बना है। एंड साथ में ये है चिकन, तो हम लोग दो लोगों के लिए ही निकाल के लाई हूँ एक साथ में ही। और इस साइड में ये खाना खा रहे हैं। तो चलिए अभी क्या है ना कि मैं भी खाना खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़ोर से ना भूख लग रहा है। अभी हम लोग खाना वाना खा कर थोड़ा सा रेस्ट लेकर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी भैया लोग के यहाँ। तो आज क्या है ना कि हम लोग घर जाने वाले हैं, आप लोगों को तो मैं बताई ही हूँ। और हम लोग भैया लोग यहाँ से जाएंगे, वहाँ पे मैं कुछ भी शूट करने वाली नहीं हूँ खैर, और मिल भी लेंगे क्योंकि बहुत दिन हो गया इसके बाद मैं यहाँ आई और इतने दिन बाद मैं सब लोगों से मिली ना, मतलब मेरा मन भी पूरा ख़राब होने लगा है और उदास हो जा रहा है मन, पता नहीं क्यों। तो एक बार मैं मिल लूँगी। और ना शादी में हम लोग बहुत इंजॉय किए, बहुत मतलब होता है ना एक कि मैं किसी भी फंक्शन में कभी नहीं जाती हूँ, कभी भी नहीं, किसी के फंक्शन में मुझे जाने में अच्छा नहीं लगता है सच बात बताऊँ तो। लेकिन यहाँ पर ना मुझे बहुत दिन से बुला रहे थे, पहले भी जब आशीर्वाद हुआ था ना तब से ही मुझे बुला रहे थे। और अभी उस टाइम तो मैं आ नहीं पाई लेकिन शादी में मैं ज़रूर आई क्योंकि बहुत दिन हो गया था, अपने मायके भी नहीं आई थी और यहाँ पर भी मतलब लोगों से भी नहीं मिली थी। तो आज मैं जब आई हूँ ना तो सच बताऊँ अभी जब मैं घर जा रही हूँ ना तो मतलब बहुत ही मतलब मन ख़राब हो रहा है। तो चलिए अभी मैं चाहती हूँ भैया लोग के यहाँ और मिल लेती हूँ। तो तुम्हारा तो यही था ना कि हाँ तो इधर 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 तो खुला ही है ना, उन लोग का रूम उधर है। भैया लोग से मिल लिए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और आज थर्सडे है ना तो इसलिए ये रास्ते में इतना चहल पहल है, वो भी क्यों, क्योंकि साईं मंदिर में ना आज भंडारा होता है तो उसी वजह से क्या है ना कि यहाँ पे बहुत चहल पहल रहता है। और हर थर्सडे को ना पहले मैं साईं मंदिर जाती थी, ये भीड़ तो कुछ भी नहीं है, पहले बहुत भीड़ होता था, लॉकडाउन के बाद से ना भीड़ बहुत ही कम हो गया है। तो चलिए अभी हम लोग घर जाते हैं और पैकिंग वगैरह खाना वगैरह ये सब भी खाना है। वहाँ पर हम लोग को खाने बोल रहे थे लेकिन हम लोग खाए नहीं। सो बाय बाय, आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।